एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद द्वारा गोरखपुर शहर को जाम से मुक्त करने की कवायद शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि अब सभी प्राइवेट बसों का संचालन शहर के बाहर किया जाएगा। बिहार व कुशीनगर की बसों का नंदनगर में ठहराव किया जाएगा। वाराणसी और लखनऊ की बसें नौसर से चलेंगी। साथ ही सोनौली महाराजगंज की बसों का बरगदवा से संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए गंभीरता दिखाई है। इसके पूर्व में भी शहर में ऑपरेशन सुगम अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर यातायात नियम का पालन करने के लिए सख्ती दिखाई थी। साथ ही बिना सिटी परमिट के शहर में चलने वाले ऑटो चालकों को पर भी कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिससे शहर को जाम मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में पिछले दिनों डीजी जोन सर और कमिश्नर सर द्वारा पूरे शहर में भ्रमण किया गया था। स्थान का चिन्हांकन किया जा रहा है। उसी क्रम में डीजी जोन सर और कमिश्नर सर का आदेश प्राप्त हुआ था कि जो निजी बसें शहर के अंदर सड़कों पर खड़ी हो रही हैं, उनको शहर से मेन महानगर से बाहर जो है कि स्टैंड दिया जाए और उनको वहाँ खड़ा कराया जाए, जिससे जो है कि वो मुख्य शहर में प्रवेश न करें, जिससे जाम न लगे और आम लोगों को इससे राहत मिले। तो जी, इस क्रम में जो कुशीनगर और बिहार की तरफ जाने वाली बसें थी उनके लिए स्टैंड की तलाश नगर निगम के साथ मिलकर की गई, जो नंदा नगर में एयरपोर्ट के पास में जगह जो है कि नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई, वहां पर उस रोड की बसें जो है कि खड़ी हो रही हैं। और इसी क्रम में जो वाराणसी और लखनऊ मार्ग की बसें थी, बड़हलगंज खजनी जाने वाली बसें थी, उनको जो है कि अभी नौसर के आगे उन्हें जो है कि रोका जा रहा है और वहां पर अभी नगर निगम द्वारा जमीन तो आवंटित नहीं की गई स्टैंड के लिए, लेकिन तलाश जारी है, जल्दी है आवंटित भी कर दी जाएगी। और जो सोनौली मार्ग की बसें हैं, सोनौली मार्ग की बसें जो यहाँ स्टेशन के पास खड़ी होती थी, उनको बरगदवा के आगे जो है कि अभी रोक दिया गया है, बरगदवा से आगे नहीं आने दिया जा रहा है। उनके लिए जमीन की तलाश जो है महेश्वरा पुल के पास, बरगदवा के आगे महेश्वरा पुल के पास जमीन की तलाश की गई है। हालांकि उसको अभी संबंधित विभाग से मिलकर उसे आवंटित कराना है। इसी क्रम में जो महाराजगंज की तरफ से आने वाली बसें हैं, उनको भी खजांची के आगे उधर रोका जा रहा है, उनको भी इधर आगे नहीं आने दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज के पास। तो अभी वहां भी स्टैंड के लिए जमीन की तलाश उस रोड पर भी की जा रही है, जल्दी नगर निगम द्वारा और प्रशासन द्वारा आवंटित की जाएगी। तो ये व्यवस्था अभी फौरी तौर पर की गई है। और इसी तरह से अन्य सुधार जो है कि ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार करती रहेगी। जी, जैसे आप देखेंगे टीपी नगर से जो पैडलीगंज तक ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण की वजह से आवागमन में कोई समस्या ना हो, इसलिए जो रोडवेज बसें बनारस और लखनऊ रूट को जाने वाले हैं, उनको जो अमर उजाला से डाइवर्ट कर दिया गया, अमर उजाला से वो डाइवर्ट होके कोनी तिराहे से वहाँ जो है कुशीनगर हाईवे पर चढ़ के वहाँ बाघा गाड़ा में उतरेंगी, वहां से फिर अपने गंतव्य की ओर जाएंगी। और इससे भी काफी राहत मिल गई है और जाम की समस्या दूर हो गई है।